स्वागत है आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। पहले तो ना मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम कृष्णा रघुवंशी है और मैंने ना अभी अभी ब्लॉगिंग चालू की है। आप सभी को ना सुबह सुबह की राम राम सीताराम। तो चलिए काम पर लग जाते हैं और आज का ब्लॉग ना सुबह का है। यहाँ पर आज मैंने सोचा चलो आज घर के ना जितने भी गंदे कपड़े हैं उनको अच्छे से क्लीन कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए मैंने ना बेड के चद्दर वगैरह जो थी वो नए बिछा दिए थे और जो पहले से बिछे हुए थे उनको हटा लिया था। बच्चों की भी ना अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो दिन भर में ना कपड़े जो बिस्तर है उसी पे कहीं लेटे रहेंगे, कहीं उठेंगे बैठेंगे ना तो कपड़े बहुत गंदे कर देते हैं। और मुझे ना ज़्यादातर हल्के कलर के ही जो है ब्लैंकेट्स और चद्दर वो पसंद आते हैं। तो पहले चलिए इनको वॉश करते हैं और मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दूंगी जिससे मशीन में भी कपड़े बहुत अच्छे धुलेंगे। देखिए यहाँ पर ना पहले हमें मशीन में पानी भर लेना है और जब हम पानी भरते हैं ना तभी उसमें हमें वॉशिंग पाउडर डाल देना है। मैं तो यहाँ पर पाउडर का यूज़ करती हूँ, आप जिसका भी यूज़ करें वो डाल सकते हैं। और डालने के बाद देखिए हमें खाली इसको इस तरीके से चला देना है, इससे क्या है उसमें अच्छा सा झाग बन जाएगा। और उसके बाद ना इसमें हम कपड़े डालकर बस दो या तीन राउंड ही इसको चलाएंगे। अभी हमें इनको वॉश नहीं करना है, इससे क्या होता है कपड़े अच्छे से गल जाएंगे। अब हम मशीन को बंद कर देंगे। और यहाँ पर ना मैंने नहा लिया था और मैंने कहा चलो अब किचन में चलते हैं। अभी कपड़े के लिए मशीन नहीं लगाऊंगी, थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी, आधे एक घंटे बाद ही मैं उसको लगाती हूँ। और चलिए मैं ना किचन में आ गई थी और किचन के काम करते हैं क्योंकि आजकल ना गर्मी बहुत तेज़ हो गई है तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी ना किचन के काम कर लेने चाहिए। और अभी अभी घर बना है और घर में ना बिल्कुल सामने से धूप आती है या फिर हम थर्ड फ्लोर पर रहते हैं तो गर्मी भी थोड़ी तेज़ ही लग रही है और गर्मी तेज़ पड़ भी रही है। इसलिए ना मैं सुबह जल्दी से खाना बना लेती हूँ और मेरी दोनों सब्जियाँ बन गई थी। चलिए अब ना छत पे चलते हैं। आप सोच रहे होंगे अभी तो गर्मी लग रही थी, धूप लग रही थी, अब छत पे क्यों जा रहे हैं। छत पे हम इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पर ना मेरा धनिया लगा हुआ है और धनिया को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। मैं ना घर के अंदर कभी भी चप्पल ना पहनती हूँ और ना किसी को पहनने देती हूँ तो छत पे ही ना मैंने दो तीन जोड़ी चप्पल यहाँ पर रख रखी हैं। जब भी हम छत पे आते हैं तो चप्पल को पहन लेती हैं। और देखिए कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन सा धनिया यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें ना खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। धनिया वगैरह तो आप छोटे छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, इसलिए ज़रूर से घर में लगाइए। और चलिए जल्दी जल्दी से नीचे चलते हैं, नीचे और भी काम बाकी हैं अभी। और देखिए सुबह के काम जल्दी कर लेते हैं नहीं तो गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी है। और किचन में तो सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, इतनी घर में कहीं भी गर्मी नहीं लगती है, लेकिन हमें खाना तो बनाना ही है और रोज़ का ही काम है वो तो हमारा। तो यहाँ पर ना मेरा सारा काम हो गया था किचन में तो मैंने कहा जो कल केले लाई थी आज ना उससे कुछ अच्छा सा बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक कढ़ाई में ना ऑयल रख दिया है और मैं ना जो कच्चे केले लेके आई थी उन्हें हमें हल्का सा छील लेना है। और आगे का हमें जो है इसमें जो आगे का डंठल रहता है उसको कट कर देना है। और इसी तरीके से ना हमें चार पांच केले एक साथ छील लेना है। अगर आपने भी कभी इस तरीके से केले के चिप्स नहीं बनाए हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैंने ऑयल को चेक किया है वो ना अच्छे से गर्म हो गया है। अब देखिए हमें ना इस तरह से किसनी लेनी है, ना चिप्स वाली किसनी होती है। और इस पर इस तरीके से केले को रखते हुए हमें इसमें यहाँ पर चिप्स बनाते जाना है। और देखिए कितने अच्छे चिप्स बन गए हैं, इनका शेप भी बहुत अच्छा लगता है। और बस हमें इनको ना इसे अच्छे से ब्राउन कर लेना है, ये तुरंत ही सिक जाते हैं, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। और मैं ना बनाती जा रही थी और बच्चे साथ में खाते भी जा रहे थे
देखिए हमारे कितने सारे चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं और एकदम से कुरकुरे बने हैं। इनमें ना आप सारे मसाले डाल लीजिए। और आज ना एसी लग रहा था घर में, एसी तो हमारा पुराना ही है, और देखिए गर्मी ना बहुत तेज़ हो गई थी तो एसी लगने का काम हो गया था, क्योंकि सभी को ना बहुत गर्मी लग रही थी तो सभी सोच रहे थे एसी को जल्दी लगवा लें, लेकिन त्यौहार था ना तो एसी वाले भैया बहुत लेट आए। और देखिए यहाँ पर आगे वाले रूम में ही हमने एसी लगवाया, क्योंकि वो ना पूरी तरीके से पैक है और एसी की हवा तभी अच्छी आती है जब पूरा पैक हो, रूम पूरा पैक हो आपका। और राज बोल रहा था मम्मी एसी वाले भैया को पसीने आ गए एसी लगाने में। और देखिए ये वाला पॉट जो मैंने बनाया था उसमें ये वाले मैंने फ्लावर लगा दिए, वैसे इसमें कुछ और लगाना था लेकिन वो तो मिला ही नहीं। और अब देखिए हमने मशीन चला दी थी, कम से कम एक राउंड इसका चलाया था, कपड़े बहुत अच्छे साफ हो गए थे। और अब देखिए ना उसी में मैंने ब्लैंकेट भी धो लिया है, और ये ना सिंगल वाला ब्लैंकेट है तो बहुत ही आसानी से इसमें धुल जाता है। मैं तो हमेशा मशीन में ही धोती हूँ, मशीन में जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तभी धोती हूँ, थोड़े बहुत तो कपड़े मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। यहाँ ना हम छत पे आ गए थे, हम 4:30 या 5 बजे कपड़े डालने के लिए आए थे, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी आज और मैंने कहा कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे, इतना टाइम तो लगेगा ही नहीं जो इतनी धूप में ना हम कपड़े डालने जाएं। यहाँ पर देखिए माँ ही ना मेरी हेल्प कर रही थी कपड़े डलवाने में। और आज दोपहर में ना अच्छी तेज़ हवा चली इसलिए भी मैं छत पे नहीं आई थी, मैंने कि पता नहीं छत पे कपड़े डालने जाऊँ और कपड़े उड़ी जाएँ, इसलिए मैंने कहा जब हवा बंद हो जाएगी तभी कपड़े डालेंगे और कपड़े सूख भी जल्दी जाते हैं। गर्मियों में ना तो कपड़े नीचे ही सूख जाते हैं, आपको ऊपर डालने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आज ना ब्लैंकेट और कवर वगैरह थे, कुशन कवर थे, पिलो कवर थे और बेडशीट भी थी, इसलिए सोचा छत पे ही डालते हैं। और जब तक ना मैं छत पे घूमती हूँ दूध वाला आ गया था तो माही नीचे चली गई थी। और देखिए करीब 2 घंटे ही हुए होंगे और मेरे सारे कपड़े जो है ना सूख गए थे, इसलिए मैंने सोचा चलो इनको फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि रात में ना छत पे कपड़े नहीं डालने चाहिए, अच्छा नहीं रहता है। और मैं सारे कपड़ों की ना यहीं पे इस तरीके से फोल्ड करती जा रही थी और इनको रखती जा रही थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।